नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आम चुनाव देश में संपन्न हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं तथा नई सरकार का गठन भी हो चुका है। पूर्व की एनडीए सरकार को जो कामकाज उनका सोशल मीडिया पर, विभिन्न समाचार चैनलों पर काफ़ी अच्छा बताया जा रहा था, लेकिन परिणाम उसके अपेक्षित नहीं निकला। इस पर विचार मंथन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आखिर उनकी इतनी कम सीटें क्यों आई। बहरहाल, जो रेल मंत्री हैं हमारे कार्यकाल संभाल चुके हैं तथा ट्विटर और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित जो विभिन्न फोरम हैं जहां पर यात्री अपने अपने शिकायत प्रस्तुत करते हैं, वहां पर बेतहाशा शिकायत पेंडिंग देखकर वे भड़क गए। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों, सभी जोनल महाप्रबंधकों, जीएम साहब और डीआरएम के साथ में मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में ऑनलाइन मीटिंग की तथा इसमें उनके द्वारा इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया गया तथा कोई भी जो अधिकारी है कुछ भी साफ जवाब इस बारे में नहीं दे पाया। सबसे पहले रेलवे बोर्ड अधिकारी, उसके बाद जीएम, डीआरएम और एडीआरएम की क्लास उनके द्वारा ली गई, बाद में अन्य अधिकारियों को भी शामिल किया गया। एक एक शिकायतें जो मुख्य रूप से रेल मंत्री के पास में पहुंची थी, उनको पढ़कर रेल मंत्री जी अधिकारियों से जवाब मांगते रहे। संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही उनके द्वारा सबसे ज़्यादा नाराजगी जताई गई है ट्रेनों के देरी से चलने पर दिखाई गई। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के अनावश्यक देरी से चलने पर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री जी ने अधिकारियों को चेताया कि इस बारे में अपना रवैया जितनी जल्दी हो बदल दीजिए, वरना अंजाम के लिए तैयार रहिए। इसके अलावा उन्होंने ट्रेनों में, शौचालयों में गंदगी, लगातार बढ़ते चोरी और अवैध वेंडरों के मामले, घटती यात्री सुविधा और सुरक्षा, घटती संरक्षा तथा आरक्षित कोचों में यात्रियों की दुर्दशा आदि पर भी अधिकारियों से जवाब मांगे। रेल मंत्री जी किसी भी अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं नजर आए। इस दौरान अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। इस तरह की शिकायतों की वजह से ही जो सरकार की छवि है वह नेगेटिव बनी है और इसका ही नतीजा यह हम मान सकते हैं कि कम सीटें सरकार को आई हैं। आम यात्रियों की ढेरों शिकायतें ट्विटर और अन्य फोरमों पर पड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आरक्षित कोचेस में भीड़ की समस्या देखने में आ रही है। यात्री शौचालय तक भी नहीं जा पाते हैं। बुजुर्ग महिलाएँ और बच्चे भी इससे काफ़ी परेशान होते हैं। लगातार शिकायत करने के बाद भी इसका समाधान नहीं मिल पाता है। 4 महीने पहले रिजर्वेशन करने के पश्चात भी यात्री अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाते हैं और यदि कहीं पहुंच गए तो वहां पर जो अनाधिकृत लोग हैं वह कब्जा किए हुए बैठे मिलते हैं। लगातार घंटों देरी से स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, इस पर भी विभिन्न रेल मंडलों का कोई ध्यान नहीं है। करीब 1.3 गुना अधिक किराया चुकाने के पश्चात भी यात्रियों को समय से ट्रेनें अपने गंतव्यों तक नहीं पहुँचा रही है। शौचालयों में गंदगी है, चोरी भी हो रही है, अवैध वेंडर तथा IRCTC सहित विभिन्न कैंटीनों पर खाना जो है घटिया और ओवर चार्ज यानी कि ज़्यादा पैसे में दिया जाता है। विभिन्न माध्यमों से शिकायतें अधिकारियों तक पहुंचती है लेकिन समाधान कुछ भी नहीं हो पा रहा है। रेल मंत्री जी का यह कदम काबिले तारीफ है। हम पिछले कुछ वीडियो से लगातार इन सभी समस्याओं को प्रमुख तौर पर उठाते आ रहे हैं, लेकिन ये जो मीडिया में खबरें चल रही हैं इनमें कहीं पर भी जो समस्या पैदा हुई है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। प्रमुख बात यह है कि समस्या की जड़ क्या है। जड़ हम आपको बताते हैं। सबसे पहली जड़ है कि रेलवे अधिकारियों के द्वारा रेक मानकीकरण के नाम पर, LHB कोचेस से ट्रेनें चलाने के नाम पर जो जनरल कोचेस हैं और स्लीपर कोचेस हैं उनकी कमी बहुत ज़्यादा कर दी है। इसकी जगह पर ऐसी कोचेस बढ़ा दिए गए हैं। अब जनरल और स्लीपर के लोग जाए तो कहाँ जाएं, जनरल वाले लोग स्लीपरों में घुसते हैं, स्लीपर वाले लोग एसी कोचेस में घुसते हैं और उसमें भी जो वेटिंग टिकट हैं उसकी भी समस्या सबसे ज़्यादा है। काउंटर का वेटिंग टिकट जो रहता है वह चार्ट बनने के बाद भी अपने आप कैंसिल नहीं होता है, उसको खिड़की पर जाकर आरक्षण खिड़की से क्लर्क से कैंसिल कराना पड़ता है, लेकिन यात्री उस टिकट के साथ में यात्रा करते हैं और आरक्षित कोचों में इसकी वजह से भी बेतहाशा भीड़ देखी जा रही है। जबकि हमने इसके बारे में रेलवे मंत्रालय को कई बार जो सुझाव दिया था वह यह कि जो उक्त फार्म भरा जाता है आरक्षण केंद्र पर, उस पर जो मोबाइल नंबर लिया जाता है जो ग्राहक है उसको साफ साफ UPI वाला मोबाइल नंबर देने के लिए कहा जाए, ताकि
यदि इनका टिकट वेटिंग में जाता है तो रेलवे को व्यवस्था करना चाहिए कि एक निश्चित संख्या की वेटिंग ही ट्रेन के अंदर अलाउ रहे, उसके अलावा बाकी सभी जो वेटिंग वाले हैं बंदे, उन सभी के टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाना चाहिए। इस बारे में भी रेलवे को आने वाले समय में विचार करना पड़ेगा, नहीं तो यह जो रेक मानकीकरण के कारण भीड़ बढ़ चुकी है, विभिन्न अनारक्षित कोचेस की कमी होने की वजह से यात्रा करने को मजबूर वे लोग स्लीपर और दूसरे एसी क्लास के कोचेस में हो रहे हैं। काफ़ी अव्यवस्था की स्थिति इससे बन रही, कई बार मारपीट तक की नौबत पैदा हो जाती है, लेकिन रेलवे प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हमने आज सुबह आपको रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर गाड़ी का वीडियो दिखाया था, इसमें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पूर्व में 2 SLR और 4 जनरल कोच आते थे उसको घटाकर केवल 1 SLR और 2 जनरल कोच तक सीमित कर दिया गया है। पूर्व में भी काफ़ी भीड़ उक्त जो SLR कोचेस और जनरल कोचेस अधिक होने के बावजूद भी रहती थी, वह जनता अब कहाँ जाएगी, वह जाहिर सी बात है स्लीपर कोचेस और आरक्षित कोचेस में घुसेगी ही, और इस स्थिति का जिम्मेदार रेलवे खुद है, क्योंकि उनके द्वारा जो एसी कोच बढ़ाने के नाम पर, सीट बढ़ाने के नाम पर ट्रेनों में यह स्थिति उत्पन्न की जा रही है, इसी की वजह से ट्रेनों में भीड़ हम देख सकते हैं। रेल मंत्री जी को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि इतनी ज़्यादा जल्दी उनको एसी क्लास को बढ़ाने पर क्यों ध्यान देना पड़ रहा है, इसकी जगह पर वे दूसरा विकल्प भी देख सकते हैं। मामूली किराया यदि वे लोग बढ़ा दें तो भी कोचेस की संख्या यथावत रखी जा सकती है, रेलवे को अधिक राजस्व उससे भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस बारे में उनके द्वारा नहीं सोचा गया, सीधे कोच कम कर दिए गए। और जो दूसरे बिंदु हैं जैसे कि घटिया खाना और ओवर चार्जिंग, अवैध वेंडर का मामला, तो इसमें पूरी तरह से जो उनका सुरक्षा विभाग है वह लिप्त पाया जाता है, उनके द्वारा ही अवैध वेंडरों को संरक्षण दिया जाता है, जिसकी वजह से घटिया क्वालिटी का खाना यात्रियों को मिलता है, और कई बार ये अवैध वेंडर विभिन्न अपराधों में शामिल हो जाते हैं, जैसा कि हमने हमारे जो उज्जैन भोपाल सेक्शन में देखा है, पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी वारदातें इसमें अवैध वेंडरों की वजह से हुई, जिन्होंने खूनी संघर्ष का रूप भी ले लिया, और इससे जनता का भी नुकसान होता है, जनता में भय की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन जो हमारा सुरक्षा विभाग है वह सो रहा है और क्या पता किसी बड़ी वारदात होने का इंतजार कर रहा है। रेल मंत्री जी को इस ओर भी सोचने की ज़रूरत है, बजाय कि जो यह मीटिंगें करके यात्रियों की भीड़ कैसे जमा हो रही है उसको रोकने की ओर वे लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस भीड़ को बढ़ाने का काम रेलवे के गलत नियमों ने किया है। साथ ही इनका शिकायत रिड्रेसल सिस्टम पूरी तरह से फेल है, ट्रेनों के लेट होने या ट्रेनों में भीड़ होने के मामलों में बिल्कुल भी कार्यवाही इनके द्वारा सीमित स्टाफ होने की वजह से नहीं की जाती रही है, केवल छोटे मोटे मामलों में ही या फिर कोई बड़ा गंभीर मेडिकल सहायता संबंधित मामला है उसमें यह सिस्टम कारगर सिद्ध होता है, वह भी तब जब जाकर यात्री के कई घंटे गुजर जाते हैं, इसके पश्चात में उसे सहायता मिल पाती है। हम इस सेवा की हम किसी भी तरह से बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब इतना अच्छा सिस्टम है आपके पास में, एक सेंट्रलाइज्ड इसका विभाग में ही बनाया जाए, जो कि शिकायतों के तुरंत कैटेगराइजेशन और उनके निपटान की ओर ध्यान दे कि किस शिकायत का क्या निराकरण होना चाहिए, और एक छोटा सा रिप्लाई हर शिकायत के साथ में दिया जाना ज़रूरी है, ताकि यात्री को यह पता तो चले कि उसकी शिकायत पर कार्यवाही हो रही है अथवा नहीं। खैर, यह सब काफ़ी गंभीर सोचने वाली बातें हैं, देखते हैं हमारा रेलवे विभाग कब तक इन पर ध्यान देता है। आपके मन में और इस बारे में कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।